आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर व बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए वीर जवान संजीत हरिजन को श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात उन्होंने शहीद जवान संजीत हरिजन के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर व बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी सोमवार को उषा ग्राम न्यू घुसिक रोड इलाके में पहुंचे, जहां सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए वीर जवान संजीत हरिजन की प्रतिमा स्थापित की गई है। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने शहीद जवान संजीत हरिजन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बीजेपी पार्षद गौरव गुप्ता समेत स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। इसके पश्चात पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने शहीद जवान संजीत हरिजन के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि आज ही के दिन छत्तीसगढ़ के सुकमा में वीर जवान संजीत हरिजन शहीद हुए थे। उनकी याद में इस इलाके में प्रतिमा स्थापित की गई है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आसनसोल नगर निगम के किसी प्रतिनिधि अथवा मंत्री के पास यहां आकर शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने का वक्त नहीं है। जिन लोगों ने चुनाव के समय यहां आकर परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही थी और उनके साथ फोटो खिंचवाए थे, आज उनका कहीं अता पता नहीं है। आज के दिन ही संजीत हरिजन आसनसोल उषा ग्राम इंदिरा कॉलोनी समाजे যারা দুষ্কৃতীরা আছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে আজকে দিনে শহীদ হয়েছিল এবং তারই স্মৃতির উদ্দেশ্যে আপনারা জানেন যেখানে আমরা একটা তার একটা মূর্তি বসানো হয়েছিল, একটা পার্ক করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটা খুবই দুঃখের যে পৌর নিগমের নেতা মন্ত্রী যারা আছে, যারা ভোটের সময় বারবার এসে তার পাশে ছবি তুলে ভোট নিয়েছিল, আজ কিন্তু একটা ফুলমালা দেওয়ারও তাদের সময় হলো না। তারা সময় না পাবে অন্তত এই সেই মূর্তিতে একটা মালা দিয়ে দেবে, সে সময় তাদের হলো না। তাদের পরিবারের কাছে আজ একবার আসবে, সে সময় তাদের হলো না, কারণ এখন ভোট নেই। তো ভোট হলে আবার সবাই আসবে। তো আলটিমেটলি কলকাতার চাটুকারিতা করতে করতে আসানসোলের যারা নিজের জীবন দিয়েছে, আসানসোলের গর্ব, যারা প্রকৃত অর্থে যারা গর্ব, তাদেরকে এরা ভুলে যাচ্ছে। এর জবাব মানুষ এদেরকে আগামী দিনে দেবে। আসানসোল সে সন্তোষ মন্ডল কি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। I am Dr. Radha Krishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.